रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। अगले महीने होली है, लेकिन होलिका दहन और होली के बावजूद भी महीने में 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इनमें वीकेंड भी शामिल है। ऐसे में आपको आगे खबर में हम बताते हैं कि वो कौन कौन से दिन होंगे जिस दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, और आपको बैंक से संबंधित कोई भी जरूरी काम अगर करना है तो वो आप आज ही निपटा लें, क्योंकि एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। वो दिन कौन कौन से होंगे आपको आगे खबर में हम बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। साल 2023 का दूसरा महीना चल रहा है और लगभग हफ्ते भर का समय है, जिसके बाद साल का सबसे जरूरी महीना मार्च की शुरुआत हो जानी है। बैंकिंग सेक्टर के लिए ये महीना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में आम लोगों को भी बैंक से जुड़े कई अहम काम निपटाने होते हैं। वैसे तो इस महीने में होली जैसे त्योहारों के चलते छुट्टियां रहती हैं, लेकिन और भी कई वीकेंड्स की वजह से बैंक बंद रहते हैं, जिसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अब लिस्ट जारी कर दी है, जिससे लोग पहले ही काम निपटा लें और उस समय जब वो घर से बाहर निकले तो उन्हें बैंक बंद ना मिले। RBI ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जानकारी दी है, जिसमें अलग अलग राज्यों में 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। मार्च में बैंकों की साप्ताहिक छुट्टियां, अगर हम उसके बारे में बात करें तो 5 मार्च को रविवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे, 11 मार्च दूसरे शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं, तो वहीं 12 मार्च और 19 मार्च को भी रविवार के चलते ही पूरे देश में आपको बैंक बंद मिलेंगे। 25 मार्च को महीने के चौथे शनिवार के मौके पर पूरे देश में बैंकों की छुट्टी है। 26 मार्च भी रविवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं। वहीं छुट्टियों के कैलेंडर में RBI ने होली समेत और भी कई वजहों के कारण बैंक बंद करने का ऐलान किया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारों के चलते कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, जिसमें अगर आप देखें तो शनिवार और रविवार को हटा दें तो उसके बाद भी काफी ऐसे दिन हैं जिसमें बैंक आपको बंद मिलेंगे। 3 मार्च को चापचर कूट के मौके पर आइजोल में बैंक बंद करने का ऐलान किया गया है। तो वहीं 7 मार्च को डोल यात्रा, होली और याओसांग के दिन बिहार, बेलापुर, गुवाहाटी, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, नागपुर, रांची और पणजी में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। 8 मार्च होली के दिन अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, गैंगटोक सहित कानपुर, लखनऊ, न्यू दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग और भी कई जगहों पर बैंक बंद करने का ऐलान किया गया है। वहीं 9 मार्च की अगर हम बात करें तो होली के दूसरे दिन भी होली को लेकर ही पटना सहित पूरे बिहार में बैंक को बंद कर दिया जाएगा। 22 मार्च को गुड़ी पाड़वा, उगाड़ी, बिहार दिवस, साजीबू, तेलुगु नववर्ष दिवस के मौके पर बेलापुर, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, जम्मू और मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, श्रीनगर में भी बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। वहीं 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर बिहार सहित अहमदाबाद, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, गैंगटोक, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची में बैंक बंद करने का ऐलान किया गया है RBI की तरफ से। तो ये कुछ लिस्ट थे जिस दिन बैंक को मार्च महीने में बंद किया जाएगा। आपको बता दें कि मार्च में पूरे 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। RBI ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कैलेंडर को जारी किया है और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई है कि किस किस दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, जिससे कि लोगों को अगर कोई भी जरूरी काम हो तो वो मार्च महीने में ही जो घर से बाहर निकलने से पहले ये लिस्ट देख लें, तभी जाकर अपना काम करें, और ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपना जरूरी काम फरवरी महीने में ही निपटा लें। बाकी नई जानकारी इस खबर में कुछ आती है तो आप तक हम उसे जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो जान सके कि मार्च महीने में पूरे 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, जिसका ऐलान खुद RBI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर किया है। बाकी इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।